हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता को ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। धर्म के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम रखने की प्रवृत्ति आती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत भव्य और सुंदर है। इस रूप में माता ने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। जाने आदिशक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कहानी। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी। बड़े होने के बाद माता ने नारद जी के उपदेश से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। वह खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट झेले। 3000 वर्षों तक माता ने टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना करती रही। बाद में माता ने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस कारण से उनका नाम अर्पणा भी है। कठिन तपस्या करने के कारण देवी माता का शरीर एकदम सूख गया। तब देवता ऋषिगण और मुनि ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की सराहना करते हुए कहा, हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से आपको भोलेनाथ जरूर पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब यह सुनकर ब्रह्मचारी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहां जाने के कुछ ही दिन बाद माता को शिव शंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए। पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं व देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, दिशादीपाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को लाल फूल काफी पसंद है। आप इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करके माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन मंत्र। दधाना कर्पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धु मिली ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा, अर्थात जिनके कर कमलों में अक्षयमाला और कमंडल सुसज्जित है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहन न जानामि वसर्जन पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला है अपने सनातन धर्म का तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कम से कम अपने 5 ऐसे दोस्तों को भेजें जो इस ज्ञान की इज्जत करें। आपका एक शेयर लोगों को अपने धर्म के प्रति और जागरूक करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो और इस वीडियो को अंत तक देखने वाले का परिवार हमेशा खुश रहे।